जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछली वीडियो में हम लोग देख लिए थे निश्चित समाकलन के गुणधर्म को, एक एक करके सभी गुणधर्म को देखे थे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है उन वीडियो को तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ साथ जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यानी टोटल के टोटल इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन जो भी पढ़ाया गया है सब वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके साथ यदि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटर्मिनांट या डिफ्रेंसिएशन के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उन सारे वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं जो निश्चित समाकलन पर कुछ कॉन्सेप्ट आपका है, जो खतरनाक कॉन्सेप्ट होने वाला है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। माने जो आज बताने वाले हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। एकदम अलग टाइप का कॉन्सेप्ट होगा और वहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कहाँ चल दिए? हो गया, अब चलो रे कॉन्सेप्ट बाद में देख लेंगे। तो शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं, किसका रील्स वाला किन्ना वाला वीडियो है तेने देख लेते हैं। यह देखिएगा, बर्बाद हो जाइएगा बाबू। अभी जो वक्त आपका है, जो ये 2-3 महीने का वक्त है, आपको एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करना है ये 2-3 महीने में, ठीक है। मतलब एक साधु का जीवन जो होता है ना, तपस्वी का, उस पर आपको जो है वैसे जीवन आपको व्यतीत करना है, ठीक है। इसलिए इधर ध्यान दीजिए, वो बाद में भी चलता रहेगा, जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपको वही करना है, आप कीजिए वही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रील्स देखिए खाली, कोई बात नहीं है, खतरनाक वाला रील्स देखिए खाली, लेकिन अभी का जो वक्त है वो रील्स देखने का वक्त नहीं है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप सांपे नहीं देखिए, आपके माइंड का जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 मिनट तक एकाग्रचित होकर पढ़ सकते हैं। कोई आपको यदि कह रहा है कि हम 6-6 घंटा पढ़ते रह जाते हैं, 8-8 घंटा लगातार पढ़ते रह जाते हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो बरका बरका फेंकने वाला है, ठीक है। क्षमता नहीं किसी को 8-8 घंटे लगातार बैठकर पढ़ने का, ठीक है। और साथ में कंसंट्रेट होके 8 घंटे बैठ के बैठना तो आसान बात है, बैठा रहेगा इसका मतलब समझिए कि वो टाइम खराब कर रहा है अपना। ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटा एकाग्रचित होकर पढ़ सकते हैं, मतलब मन लगाकर पढ़ सकते हैं, वो सिर्फ 1 घंटा आपका होगा। फिर 1 घंटे के बाद 2-4-5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हाँ, तो वही ब्रेक जो 2-4-5 मिनट का आप लेते हैं उसी में देख लीजिए एक आधो, क्या दिक्कत है। या कहीं पर भी थोड़ा सा पानी वगैरह पी लीजिए, यानी फ्रेश हो जाइए, फिर 1 घंटा बैठ के पढ़िए। लगातार बैठ के यदि आप चाह रहे हैं कि 6-6 घंटा बैठ के पढ़ ले, होने ही वाला नहीं है, समझिए कि आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ें हम एक वीडियो में लेकर आएंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कितना ध्यान से, मतलब कैसे पढ़ाई करें कि आपको मन लगे पढ़ने में, आप एकाग्रचित होकर पढ़े, ये एक वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए। अभी ये वक्त नहीं है, अभी वक्त है क्वेश्चन का और कॉन्सेप्ट का। आइए हम आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, सबसे मज़ेदार कॉन्सेप्ट जो आपका पहला कॉन्सेप्ट आने वाला है, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए क्या है, मान लिया जाए कि क्वेश्चन का जो आपका कॉन्सेप्ट होगा ऐसा होगा, यहाँ रहेगा -5 से 5 मोड ऑफ एक्स डीएक्स। सुनिए, यहाँ पर जो अंदर में फंक्शन होगा वो, यदि यहाँ डीएक्स है तो यहाँ एक्स होगा, dy है तो y होगा, d थीटा है तो थीटा होगा। यदि यहाँ पर मान लीजिए कि अल्फा है, यानी जो यहाँ रहेगा वही फंक्शन आपको यहाँ दिखेगा मोड के अंदर में, ठीक है। सिर्फ अकेला वही रहेगा, जैसे x है तो x, y रहेगा तो y, z रहेगा तो z, p रहेगा तो p, मोड के अंदर में। और यहाँ पर जो सीमा का मान आपको दिख रहा है, ये जो सीमा का मान दिख रहा है, ये दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए, एकदम सेम, केवल चिन्ह का अंतर होना चाहिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये दोनों बिल्कुल सेम रहेगा, केवल चिन्ह का अंतर रहेगा। और आप उलटकर देखिए सेट, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, खासकर डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम तुरंत कैसे बनाएंगे, मतलब सेकेंड में क्वेश्चन देखते ही आंसर कैसे लिख देंगे, आपको लिखना है और आप आसानी से लिख दीजिएगा, आप भी लिखिएगा, हम भी लिखेंगे
और यदि आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, मान लीजिए कि अभी तो हम आपको इसका ट्रिक बता देंगे, यदि इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको चाहिए, मान लीजिए कि संतुष्टि ना है, डिटेल सॉल्यूशन आप चाहते हैं इसका, या हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे दो अंक में कभी पूछ दिया जाए, ठीक है, तो आप यदि इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, दो अंक वाला भी इसका कॉन्सेप्ट लेकर आ जाएंगे, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव वाला सिर्फ। तो करना क्या है आपको, सिर्फ और सिर्फ जो यहां पर सॉरी जो यहां पर आपका सीमा का मान दिया हुआ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका स्क्वायर कर देना है। तो जैसे पांच है तो पांच का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो गया इसका आंसर। जो सीमा का मान दिया हुआ रहेगा आपको सिर्फ और सिर्फ उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। आगे बात समझ में, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, -3 से 3 मोड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, चेक कर लो, यही क्वेश्चन है आपको, और कहेगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या है। तो क्वेश्चन के टाइप को देख लीजिए, यहाँ सीमा का मान बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, जो यहाँ है वही यहाँ है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, सीधे क्या कीजिएगा कि जो सीमा का मान रहेगा उसका वर्ग कर दीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9 के बराबर, ठीक है बाबू। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपका -6 से 6 मोड ऑफ वाई इंटू डी वाई, मोड ऑफ वाई इंटू डी वाई, अब बताइए कि इसका आंसर कितना के बराबर होने वाला है। तो आप आज साधारण बात है, इसका आंसर जब लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, चेक कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर -6 से 6 है, जो यहाँ है वही यहाँ मोड के अंदर में दिख रहा है, तो आपको लिखना है सीमा का वर्ग, यानी 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, क्लियर है। अब देखिए कि यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, उसको लेकर आते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, ऐसा ही नहीं अभी और भी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, ये तो सिर्फ उसका टेलर है शुरुआत वाला, अभी और भी इससे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है। आज के वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप ना करें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ये फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी है, हमारा ये कहना फॉर्मेलिटी है, और आप कितना इसको फॉलो कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम कहते हैं कि इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप ना कीजिएगा, तो कहिएगा ओ अपने लिए कह रहे हैं, हाँ अपने लिए हम कह रहे हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हम अपने लिए कह रहे हैं तो आप तुरंत छोड़ के चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत छोड़ के चल जाइए, हम अपने लिए कह रहे हैं, कोई बात नहीं है। खैर चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन -1 से 1 मोड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। चल बाबू फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को अब हम नहीं बनाने वाले हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइएगा, बोर्ड एग्जाम में ही पूछेगा तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछेगा, चेक कर लीजिए आप क्या हो जाएगा इसका आंसर। सिर्फ और सिर्फ जो आपका सीमा का मान रहेगा उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 होगा, चेक कर लो। मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार पूछा है, देख लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से बता दीजिए। सीमा का मान है -2 से 2, सीमा का मान है -2 से 2 मोड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, चेक कर लो, मोड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यदि आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, आप सीधे जो है सीमा का स्क्वायर कर लीजिएगा, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, इसका आंसर कितना के बराबर होगा, 4 के बराबर, किसी को दिक्कत नहीं ना। हाँ इसी में आपको एक टाइप का और सवाल पूछेगा, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहां रहेगा -7 से 7, गौर कीजिएगा, -7 से 7 एक्स इंटू डी एक्स, अब मोड नहीं लगा हुआ रहेगा, अब इसमें मोड नहीं लगा हुआ रहेगा, -7 से 7 एक्स इंटू डी एक्स, अब इसमें मोड नहीं लगा हुआ रहेगा, तो मोड नहीं लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा, तो भी इसका आंसर उतना ही होगा। यदि मोड लगा हुआ रहेगा तो भी उतना ही, और मोड नहीं लगा हुआ रहेगा तो भी इसका आंसर उतना ही होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर 49, कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49, या फिर
माइनस आठ से आठ वाई डी वाई, चेक कर लो, चेक कर लो, माइनस आठ से आठ वाई डी वाई। यदि इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए तो इसका इंटीग्रेशन भी उतना ही होगा, यानी आठ का स्क्वायर चौंसठ के बराबर, ठीक है, कितना के बराबर होगा, चौंसठ के बराबर, ठीक है। आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और ज़्यादा मज़ेदार है, ठीक है। ये तो सिर्फ आसान वाला था पहला वाला, दूसरा वाला देखिए कितना मज़ेदार है, एकदम आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले ऊपर क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको एक बार देखिए आप, क्वेश्चन एक बार ऊपर देखिए आप जो दिख रहा है आपको। क्वेश्चन आपका कहता है देखिए, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जीरो से पाई वाई टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहां देखिए, पहले क्वेश्चन के टाइप को समझिए आप, क्वेश्चन के टाइप को समझिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो है आपका जीरो से पाई बाई टू, एकदम क्वेश्चन आपसे रहता है जीरो से पाई बाई टू, हमेशा जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू ही हमेशा होना चाहिए। इसके बाद यहां पर या तो साइन स्क्वायर एक्स होगा या फिर कॉस स्क्वायर एक्स होगा, दोनों में से कोई एक, या तो साइन स्क्वायर एक्स या फिर कॉस स्क्वायर एक्स, या तो साइन स्क्वायर एक्स या फिर कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। गौर से समझ लीजिए, सीमा का मान जीरो से पाई बाई टू ही होगा, सीमा का मान जीरो से पाई बाई टू ही होना चाहिए। और यहां पर जो फंक्शन आपको दिख रहा है, यह फंक्शन या तो साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए या फिर कॉस स्क्वायर एक्स होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, ठीक है। और तब जाकर यदि आपको इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो देखिए यहां पर 90 डिग्री है ना, पाई बाई टू है, तो आपको लिखना है सिर्फ पाई बाई फोर, कितना लिखना है, पाई बाई फोर। ऐसा क्यों हो जाता है, सबका डिटेल सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे यदि आप ऐसा चाहते हैं तब, ठीक है, चाहे यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स हो या फिर साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो भी। जैसे जीरो से पाई बाई टू, यहां पर मान लीजिए कि लिखे साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, चेक कर लो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आपसे पूछे कि इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा, तो देखिए 90 डिग्री है ना, तो आधा कर दीजिए 45 डिग्री, 45 डिग्री बोले तो क्या, पाई बाय 4, 45 डिग्री बोले तो क्या, पाई बाय 4, चेक कर लो, चेक कर लो, किसी को दिक्कत नहीं ना। हाँ, अभी और कुछ क्वेश्चन आने वाला है इसी पर, समझिए ठीक से, इसी पर कुछ और क्वेश्चन अभी आने वाला है, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अलग हो। देखिए क्या है, सीमा का मान आपका है जीरो से पाई बाई टू ही रहेगा, सीमा का मान जीरो से पाई बाई टू ही रहेगा। यहां पर देखिए ऊपर में साइन एक्स और नीचे में है आपका रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स इंटू डी एक्स, चेक कर लो, रूट अंडर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अर्थात यहां पर देखिएगा, यहां साइन या कॉस होगा, साइन या कॉस होगा, साइन या कॉस होगा, ठीक है, साइन या कॉस, साइन या कॉस, साइन या कॉस, जितना पावर इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। बात को गौर से समझिएगा, साइन या कॉस रहेगा, साइन या कॉस रहेगा, साइन या कॉस रहेगा, जितना पावर इसका होगा उतना ही पावर इसका, उतना ही पावर इसका, ठीक है। यहां पर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, बहुत सवाल पूछा है इस पर, ठीक है, बहुत सवाल पूछा गया है आपसे। तो आपको यदि कहे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका भी इंटीग्रेशन पाई बाई फोर के बराबर ही होगा, ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन पाई बाई फोर के बराबर ही होगा। शर्त है कि सीमा का मान जीरो से पाई बाई टू ही होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जीरो से पाई बाई टू ही होना चाहिए। अब आइए कुछ और क्वेश्चन हम इस पर आपको लिख देते हैं, ताकि आपका जो है ये जो शक है वो दूर हो जाए। जीरो से पाई बाई टू, यहां देखिए साइन के पावर में है थ्री बाई टू एक्स बटा में कॉस के पावर थ्री बाई टू एक्स प्लस साइन के पावर में है थ्री बाई टू एक्स इंटू डी एक्स, चेक कर लो,
चेक कर लो, देखो यहां साइन या कॉस है, साइन या कॉस, साइन या कॉस, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए साइन या कॉस, साइन या कॉस। अब आपको देखना है तो पावर सबका आपको सेम दिख रहा है, सबका पावर क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, एकदम सेम दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, तो यहां देखिए पाई बाई टू है ना, 90 डिग्री है तो उसका आधा कर दीजिए, यानी हो जाएगा इसका पाई बाई फोर, यानी 45 डिग्री। कितना हो जाएगा बाबू, 45 डिग्री। आइए कुछ और क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कॉस के पावर 5x बटा में, ध्यान से देखिएगा, बटा में साइन के पावर 5x प्लस कॉस के पावर 5x प्लस कॉस के पावर 5x इंटू dx, सीमा का मान है 0 से पाई बाई टू, सीमा का मान कितना है 0 से पाई बाई टू, चेक कर लो। अब बताओ कि इसका आंसर कितना के बराबर होगा, अब तो पूरा यकीन हो गया होगा कि इसका आंसर कितना के बराबर होगा, और सवाल के टाइप को भी आप अच्छा से समझ लिए होंगे कि इसका आंसर कितना के बराबर होने वाला है। एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए और बता दीजिए कि इसका आंसर कितना के बराबर होने वाला है। देख लीजिएगा, साइन या कॉस है, साइन या कॉस है, साइन या कॉस है, देखिए यहां पर पावर 5 है, पावर 5 है, पावर 5 है, ठीक है, यहां 0 से पाई बाई 2 है सीमा, तो क्या बोले हैं कि आधा कर दीजिएगा, यानी 45 डिग्री बोले तो पाई बाई 4 के बराबर, कितना के बराबर हो जाएगा, पाई बाई 4 के बराबर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बटा में साइन एक्स अपॉलस कॉस एक्स इंटू dx, चेक कर लो, जल्दी से बता दो इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स, साइन एक्स यहां पर प्लस में कॉस एक्स है, ठीक है, देखिए साइन या कॉस है, साइन या कॉस है, साइन या कॉस है, इसका पावर भी एक है, एक है, एक है, पावर सेम है, सीमा का मान 0 से पाई बाई 2 है, ठीक है, तो क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका पाई बाई 4 के बराबर, यानी 45 डिग्री के बराबर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के टाइप को अच्छा से समझ गए होंगे और उसको बनाने का तरीका भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ और भी टेक्निकल क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके एग्जाम में आपसे बार बार पूछा गया है। देखिए एकदम सवाल के टाइप को आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई भी सवाल आपको ये नहीं लगेगा कि आपने अभी तक इस सवाल को देखा नहीं है, लेकिन उस सवाल को बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग होने वाला है, एकदम अलग, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने गणित को बनाया है, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, जब आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तब ऐसा संभव है, ठीक है। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा मिटाना तो बनता है ना बीच में बाबू, है हाँ मिटा लेते हैं, बस आपको थोड़ा सा करना क्या है कि अपने आप को एकदम क्या करना है, एकदम झोंक देना है पढ़ाई की तरफ, हाँ एकदम, ये जो आपका 3 से 4 महीने का वक्त है, 3-4 महीने का है, अब तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 महीने का वक्त बच गया है, ये 2 से 2.5 महीने का वक्त आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको इसी वक्त में समय को पहचानना है, ठीक है। चल देखो क्या करेंगे, यहां ध्यान से देखिएगा, सीमा का मान 0 से पाई बाई 2 लॉग टेन एक्स, चेक कर लो, लॉग टेन एक्स डीएक्स, लॉग टेन एक्स डीएक्स, यहां पर 0 से पाई बाई 2 होगा, 0 से पाई बाई 2 होगा, ठीक है, इसके बाद यहां पर दो ही हो सकता है, या तो log tan x होगा या फिर log cot x होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसको हम बता भी देंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये छोटी सी चीज है, टेक्निकल चीज है, तो इसको हम तुरंत बता देंगे। अभी यहां पर log tan x होगा, log tan x होगा या फिर log cot x होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो log tan x होगा या फिर log cot x होगा, दोनों में से कोई एक, चेक कर लो ठीक से, या तो log tan x होगा या फिर log cot x होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो अब आप बताइए कि यदि log tan x होगा या फिर log cot x होगा, तो आप हमें बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जबकि इसके सीमा का मान 0 से पाई बाई 2 है,
जबकि इसके सीमा का मान 0 से π/2 है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए पहले कि आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे, और जब हम बनाएंगे तो आप उसको मिलाइएगा कि दोनों में से आप, मतलब आप जो सोचे या आप जो बनाए उसमें और हम जो सोच रहे हैं हम जो बना रहे हैं उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंट आपको पता चला। एक बार जल्दी से आप लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास कर लीजिए। देखिए, आशा करते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन के बारे में सोचा होगा और कुछ इसका डिटेल सॉल्यूशन आप लोग सोचे होंगे, बट इसको ऐसे बनाना नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जब 0 से π/2 रहेगा, लॉग टेन एक्स या फिर लॉग कॉट एक्स रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा। इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। किसी को दिक्कत? शर्त है कि यहां 0 से π/2 होना चाहिए, साथ में log tan x या फिर log cot x दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक चुल मच रहा होगा, अरे बाप ऐसे कैसे हो गया। सुन लीजिए, एक बार हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे, शायद आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है, यहां देखिएगा, इसका इसको आप समीकरण एक मान लीजिए थोड़े समय के लिए। अब आपको क्या बोले थे, जब इसका आपको बताए हैं गुणधर्म, तो उसमें बताए हैं कि दोनों सीमा को जोड़कर और उसमें से ये वेरिएबल को आप माइनस करेंगे, तो ये तो i बराबर चल रहा है अभी, तो इसका हो जाएगा log, सीमा का मान है 0 से π/2, log tan 90 डिग्री माइनस, सॉरी 90 में 0 जोड़ेंगे तो 90 है, उसमें से x घटा लेंगे तो हो जाएगा π/2 माइनस x इंटू क्या हो जाएगा बाबू, dx। यानी आई बराबर हो जाएगा 0 से π/2 लॉग कॉट एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डीएक्स। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i बराबर, सीमा का मान है 0 से π/2, ये हो जाएगा आपका लॉग टेन एक्स, लॉग टेन एक्स प्लस लॉग कॉट एक्स, कॉट एक्स डीएक्स। ध्यान से देखिएगा, 2i बराबर हो जाएगा आपका 0 से π/2, जैसे ही यहां पर लॉग को बाहर करेंगे तो ये जोड़ में है गुना में चला जाएगा, यानी हो जाएगा टेन एक्स इंटू कॉट एक्स। और आपको मालूम है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो 2y बराबर हो जाएगा, सीमा का मान है 0 से π/2, यानी हो जाएगा आपका log 1 इंटू क्या, dx। log 1 का मान 0 के बराबर होता है, कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर। तो जैसे ही यहां पर रखेंगे 0, log 1 का मान हो जाएगा 0, तो इसका इंटीग्रेशन भी कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। बोलिए किसी को दिक्कत, इसका इंटीग्रेशन भी कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। ऐसे आपको बताए हैं कि जब 0 का इंटीग्रेशन होता है के बराबर, किसी कांस्टेंट के बराबर, तो कांस्टेंट यहां तो है नहीं, ठीक है, तो कांस्टेंट 0 भी तो एक प्रकार का कांस्टेंट ही है, तो इसका आंसर जो होगा कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। किसी को दिक्कत? हाँ, शर्त है कि यहां पर या तो लॉग टेन एक्स होना चाहिए या फिर लॉग कॉट एक्स होना चाहिए, दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए। ठीक है, या तो log tan x होगा या फिर log cot x होगा। तो इस कंडीशन में जो इसका इंटीग्रेशन होगा कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और यदि मान लिया जाए कि यहां पर जो है 0 से π/2, गौर करेंगे 0 से π/2 आ जाए आपका log cot x dx, चेक कर लो इसका भी इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो अभी हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट को समझे हैं बेहतर तरीके से, और इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन आपके जो है ऑब्जेक्टिव वाले बुक में दिया गया है, तो आप लोग को इस पर आधारित क्वेश्चन अगले दिन लेकर आएंगे। अभी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इस पर जितना कॉन्सेप्ट बता दिए उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आप लोग को खुद से कर लेना है। जब आप क्वेश्चन कर लीजिएगा फिर क्वेश्चन हम करा देंगे, आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।